words to pick up the pieces. I left you with the parts of me I don't want to see. हेलो गाइस, वंस अगेन बैक. आप सबका फिर से स्वागत है एक और एपिसोड में. तो कुछ टाइम प्लेटफॉर्म में गुजारने के बाद काफ़ी जो एक्सपीरियंस आ चुका है वर्क का, उसके बारे में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ. जितने भी जो भी मैंने प्रीवियस में जितने भी काम किए थे, तो शिप, बार्ज, अकोमोडेशन, वेसल्स, बोट्स वगैरह तो ठीक है. प्लेटफॉर्म, ऑयल रिग प्लेटफॉर्म में जो काम होता है वो टोटली अलग होता है. उसमें टाइम ड्यूरेशन 12 घंटे का रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि शटडाउन जैसे प्रोजेक्ट की वजह से हमें 7 से 8 दिन कंटिन्यू काम करना पड़ता है. 24 आवर्स तक तो कर सकते हो, उसके बाद थोड़ा बहुत रेस्ट हो जाता है. ये कि नहीं कि आप 12 घंटे रेस्ट कर सको. शटडाउन में क्या होता है कि हमें मिनिमम कम से कम टाइम में काम खत्म करना होता है. तो प्लेटफॉर्म में मैं एक आई थिंक इलेक्ट्रिशियन, टेक्नीशियन, फैब्रिकेशन, जितने भी टेक्निकल वर्क थे उनके साथ कुछ दिन मैंने काम किया. तो उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अलग था. वो कुछ मेरे अच्छे खासे दोस्त भी बने. उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन बताए कि प्लेटफॉर्म्स क्या होता है, मटेरियल क्या होता है, इक्विपमेंट्स क्या होता है. यहाँ पर ऐसा ऐसा जो जहाँ पर जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं प्लेटफॉर्म के अंदर, वो सारा का सारा मैं जो इतना भी डेटा है वो मैं सीखता गया, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ नया था. तो बहुत कुछ सीखने को मिल गया. जॉब भी काफ़ी चेंज हो गया. तो कुछ टाइम तो मैं वेल्डर और सुपरवाइजर ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ घूमता रहा. और बूथ, फायर बूथ जैसे एक ब्लैंकेट है, तो मैंने वो भी पहली बार देखा. नॉर्मली ऑनशोर में और इंडिया में मैंने देखा है कि जहाँ पर शिपिंग और प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पर जो ब्लैंकेट होते हैं वो ग्लास के बने होते हैं, वो काफ़ी इचिंग होता है. और यहाँ पर मैंने देखा जो फायर प्रूफ जो ब्लैंकेट थे वो पॉली या फाइबर के बने हुए थे, जिसके अंदर इचिंग वगैरह नहीं होते थे, काफ़ी सेफ थे. और उसके अंदर कूलर और एग्जॉस्ट भी होता है ताकि हम काम कर सकें. तो वेल्डिंग जैसे काम करने से क्या होता है कि पूरा का पूरा जो बॉक्स है वो पॉइजनस गैस से भर जाता है. और मैं कभी क्या करता था, मैं हल्का सा कभी 5-10 मिनट वहाँ से बाहर निकल के प्लेटफॉर्म के कुछ ऐसे कोने में जाता था जहाँ पर एसी लगा होता है, जहाँ पर कुछ कंट्रोल पैनल रूम होता है जहाँ के अंदर काफ़ी कूलिंग होता है. तो 5-10 मिनट वहाँ रहने के बाद भी मैं आता था, क्योंकि इतना हीट टेम्परेचर, ऊपर से आपने जो कपड़ा पहना है, कवरऑल पहना है, वो काफ़ी हीट होता है. जो वगैरह के स्किन जो होता है वो पूरा ड्राई हो जाएगा, आपके जितने भी ऑलमोस्ट हेयर है वो निकल जाएंगे, और भी कई तरह के इचिंग और स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं इसके बाद कंटिन्यू काम करोगे. तो हीट इतना हो रहा है कि ऊपर से नीचे तक पानी निकल रहा है, और ऊपर से बूथ के अंदर पूरा का पूरा पॉइजनस गैस भरा हुआ. तो मैं कुछ 5 से 10 मिनट बाहर जाके वहाँ से पूरा कूलिंग और फ्रिज पूरा एकदम बॉडी पूरा अच्छा सा कूलिंग होने के बाद वापस आता था. और एक जॉब खत्म हो गया, फिर नया लोकेशन, वहाँ पर जो मलेशियन टीम थी वो फिर से एक बूथ रेडी करेगा, उसके अंदर फिर से इलेक्ट्रिकल वर्क होंगे, उसके अंदर हॉट वर्क्स होंगे, ग्राइंडिंग होगा, गैस कटिंग होगा, वेल्डिंग होगा, काफ़ी कुछ होगा. काम जो मैं कर रहा था वो टेम्पररी वहाँ से हटाकर इस जो अभी फिलहाल जितने भी टेक्नीशियंस हैं उनके साथ मिलजुल के काम कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर वर्कर का शॉर्टेज बहुत कम था. और प्लेटफॉर्म पे शिप्स का जो डेक था वहाँ पर कंटेनर था, और वहाँ पर कुछ ही एम्प्लॉयज रखे गए थे ताकि वहाँ पर काम चलता रहे, और बाकी के जितने भी रेस्ट एम्प्लॉयज है वो सारे के सारे प्लेटफॉर्म के अंदर थे. तो वहाँ पर ऐसा ही कुछ चलता रहा. हम लोगों ने 10 से 15 दिन का शटडाउन पहले प्रोजेक्ट में 5 से 6 दिन के अंदर कंप्लीट किया. वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था. और उसके अंदर जितने भी जितने भी रिलेटेड काम थे, फैब्रिकेशन होने के बाद इलेक्ट्रिकल काम होता है, हाइड्रो टेस्टिंग होता है, रेडियोग्राफी होता है, फिर E&I के होते हैं, सुपरवाइजिंग होता है, प्लानिंग होता है, बहुत अलग अलग तरीके की जॉब्स होते हैं प्लेटफॉर्म रिग के अंदर. तो सबके साथ मैं जुड़ चुका था और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. बस ऐसे करता गया, सीखता गया. जो पहला मेरा ऑफशोर था इंटरनेशनल लेवल में, वो मैंने कम से कम 3 से 4 महीने कंटिन्यू किया. लेकिन एज पर वहाँ का इंटरनेशनल रूल के अलावा जो रूल्स है, आपको 60 या 90 दिन के अंदर आपको रेस्ट लेना है. 60-90 दिन के अंदर आपको जाना है जमीन पर ऑनशोर में, वहाँ आपसे 1 से 2 दिन आपको रेस्ट लेना पड़ेगा. टोटली कंपनी के एक्सपेंसेस पे रहेगा, पूरा खर्च कंपनी का रहेगा. फिर वहाँ पर आपका एक छोटा सा मेडिकल होगा, वो मेडिकल पास होने के बाद आपको वापस आना है. यही रूल है.
रेस्ट इसीलिए दिया जाता है कि कंटिन्यू काम करना अलाउड नहीं है। इंडियन ऑफशोर में क्या 6 महीना 7 महीने प्लेटफॉर्म में आप कंटिन्यू काम कर सकते, कोई भी रोक टोक नहीं है। अगर वेदर कभी खराब होता है तो ही सिर्फ जाता है, बाकी जाता नहीं है, प्लेटफॉर्म सेफ है। प्लेटफॉर्म का इतना कैपेसिटी है कि 200 माइल का जो स्पीड होता है विंड पावर उसको भी झेल सकता है। इंडिया में 120 130 जो भी विंड पावर है स्पीड है वो झेल लेता है किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। और इंटरनेशनल में उतने ही प्लेटफॉर्म्स उतने ही हैवी क्वालिटी के होते हैं, तो जब भी विंड रफ वगैरह जो भी आता है उसे कंट्रोल कर लेते हैं। तो प्लेटफॉर्म में सारा कुछ काम कंप्लीट मेरा हो गया। कभी डेक में थोड़ा बहुत काम था, कभी अलग अलग लोकेशन में काम था, तो नॉलेज तो मेरा काफ़ी हो गया, पहला एक्सपीरियंस भी काफ़ी गया। अब टाइमिंग है मुझे प्लेटफॉर्म से ऑनशोर में रेस्ट के लिए जाने के लिए। और रेस्ट के लिए हमारा पूरा एक क्रू मेंबर जो टीम था वो 15 से 20, हम एक साथ तो नहीं जा सकते क्योंकि 200 एम्प्लॉयज है। अगर 200 एम्प्लॉयज को आप एक साथ भेज दोगे तो काम बंद हो जाएगा। तो आपको क्या टर्म वाइज था, जो बहुत ज़्यादा नीड है उनको रखे थे, जो जिसका ज़रूरत बहुत कम है उनको पहले रेस्ट करने भेज दिया जाता था, ताकि जिस जो ज़्यादा यूजफुल है उनको हम जल्द से जल्द रेस्ट में भेजने के बाद वापस प्लेटफॉर्म में बुला सके। अब वही शिप में एक छोटा सा एक स्पीड बोट आएगा, वो बोट आपको कैरी करेगा, फिर आपको होटल में छोड़ेगा। आपको 2-3 दिन एंजॉय करना है, आराम से चिल करना है, ऑन सैलरी से जो भी आपका रेस्ट रहेगा वो पेड रहेगा, आपको खर्चा भी मिल जाएगा और वहीं से आपको वापस आना है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, हम कुछ 5-10 क्रू मेंबर थे और वहां जाने के बाद बहुत मैं एक्सप्लोर किया मैंने काफ़ी, लेकिन मैंने कैमरा में रिकॉर्डिंग नहीं किया क्योंकि मेरे पास इतना कुछ खास मोबाइल था नहीं, कुछ गैजेट्स थे नहीं, तो मैंने वो म्यांमार का एक्सप्लोर नहीं किया। लेकिन यार बहुत काफ़ी ब्यूटीफुल कंट्री है, बहुत ही नेचर है, गंदगी बहुत कम है। और वहाँ का जो वीडियो है प्लेटफॉर्म में पहुँचने के बाद, ऑनशोर में जमीन में पहुँचने के बाद 2 से 3 दिन मैंने क्या किया उसका वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में बनाऊँगा। तो ये था मेरा ब्लॉग प्लेटफॉर्म का। होपफुली जितने भी व्यूअर्स है सब्सक्राइबर्स है आपको अच्छा लगे, और जो भी नए हैं व्यूअर्स है प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय, टेक केयर।